प्रश्नावली 9.4 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आप इन सवालों को ध्यान से समझिएगा। और एक और बात है, आपका जो टाइम टेबल था उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, तो नया टाइम टेबल जारी हो चुका है। पहले आपकी परीक्षाएं 16 अप्रैल से होने वाली थी, अब आपकी परीक्षाएं 17 अप्रैल से होने वाली है और सुबह 10:30 बजे से पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा, 1 बजे तक आपका पेपर होगा। तो नया टाइम टेबल मैंने अपलोड कर दिया है, वहां से आप नया टाइम टेबल देख लीजिएगा। तो परसों के दिन से आपकी परीक्षाएं आप स्टार्ट होने वाली है, मतलब संडे को भी आपका पेपर होगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम गुणा करना सीखेंगे, और वो भी द्विपदों का गुणा करना, द्विपदों को द्विपदों से गुणा करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखो, द्विपदों को गुणा कीजिए। देखो यहाँ भी द्विपद है और यहाँ भी द्विपद है, इन दोनों को क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो देखो, जहां पर भी और का चिन्ह लगा हुआ है ना, वहां पर हम किसका चिन्ह लगा देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। तो जहां भी और का चिन्ह है वहां गुणा लगा दो। तो देखो, आपको इन दोनों को गुणा करना है, मतलब 2x+5 इसको गुणा करना है किससे, 4x-3 से। अब देखो द्विपदों को कैसे गुणा करते हैं, ये 2x इन दोनों से क्या होगा, गुणा, फिर ये 5 भी इन दोनों से क्या होगा, गुणा होगा। मतलब ये 2x पहले इन दोनों से गुणा होगा, फिर 5 भी इन दोनों से क्या होगा, गुणा होगा। तो करते देखो, 2x को गुणा करेंगे किससे, 4x-3 से। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, प्लस, तो हम लगाएंगे प्लस। अब 5 का गुणा करेंगे 4x-3 है, ठीक है। द्विपदों के गुणा में मतलब पहले ये एक पद दोनों से गुणा होगा, फिर ये दूसरा पद भी दोनों से गुणा होगा, ठीक है। अब देखो गुणा करते हैं, 2x को किससे गुणा करेंगे, 4x से। तो देखो 4 × 8, बताओ बेटा x को x से गुणा करते हैं तो क्या आता है, x2। आधार समान होने पर घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो एक हाथ और एक हाथ हो गए आपके 2 घात हो गया। अब 2x किससे गुणा होगा, 3 से, माइनस है, 3 × 6 और x का x आ गया। अब प्लस है तो प्लस, देखो 5 को 4x से गुणा करेंगे, 5 को 20x, माइनस है तो माइनस, 5 × 3 = 15 आ गया ना। अब क्या करेंगे, समान पदों का जोड़ बाकी करेंगे। समान पदों का क्या कर लेंगे, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर तो अकेला ही आपके इसमें, तो ये तो आ जाएगा 8x2। अब देखो ये दोनों समान पद हैं, समान पद है ना, यहाँ 20x है और यहाँ 6x है। 20x तो है प्लस का और 6x किसका है, माइनस का। तो 20 में से 6 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 14, और किसके आएंगे, प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, आपके प्लस की है, तो आपके 14 किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। अब पीछे देखो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 15, ये आ जाएगा आपका आंसर। आ गया समझ में, बिल्कुल आसान था। अब देखो अगर कम समझ में आया तो दूसरा देखो, इन दोनों को क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो जहां पर ये और का चिन्ह आ रहा है वहां क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। y माइनस 8 को गुणा करना है 3y-4 से। अब देखो बेटा सेम वही, y पहले इन दोनों से गुणा होगा, फिर 8 भी इन दोनों से गुणा होगा। तो देखो पहले देखो अलग अलग कर लो, y को गुणा करेंगे किससे, 3y-4 से। अब माइनस 8 को गुणा करेंगे वापस किससे, 3y-4 से, ठीक है। अब देखो गुणा करो, y को 3y से गुणा करेंगे, तो देखो 3 का तो 3, अब y और y गुणा क्यों होके क्या हो जाएगा, y2, घात में जुड़ जाएगी ना, एक घात हो जाएगी 2 घात, माइनस है तो माइनस। अब y को किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो क्या आएगा बताओ, 4y हो गया गुणा। अब ये माइनस 8 भी इन दोनों से गुणा होगा, तो देखो 8 × 24, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस और ये हो गया कितना, 24y। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 8 जो कितना हो गया, 32। अब समान पदों का जोड़ बाकी कर लेंगे,
वाई स्क्वायर तो अकेला ही है, इसको तो ये लिखो तीन वाई स्क्वायर। अब ये दोनों देखो समान पद है ना, यहाँ तो ये माइनस का चार वाई हो गया माइनस का चौबीस वाई, तो बताओ माइनस का चार वाई और माइनस का चौबीस वाई कितना हो गया, माइनस का अट्ठाईस वाई, ये हो गया माइनस का अट्ठाईस वाई। दोनों माइनस के हो तो संख्या जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, और पीछे प्लस का कितना है बत्तीस, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो देखो कितना आसान है इनको गुणा करना, है ना। अब देखो अगला तीसरा, 2.5 एल को गुणा माइनस 0.5 एल, इसको गुणा करेंगे 2.5 एल प्लस 0.5 एम से, ठीक है ना। तो देखो जहां पर और लिखा हुआ है वहां क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, तो गुणा करो बेटा। देखो सबसे पहले 2.5 एल माइनस 0.5 एम इनको गुणा करना है किससे, 2.5 एल प्लस 0.5 एम से, इन दोनों को गुणा करना है। अब देखो गुणा कैसे करेंगे, पहले ये वाला दोनों से गुणा होगा, फिर ये भी दोनों से गुणा होगा, आपके एक सर्वसम्मिक आएगी अगली प्रश्नावली में 9.5 में, तो आप चाहो तो इसको सर्वसम्मिका से भी कर सकते हो, आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको लिखा जाता है एक बार तो प्लस में और एक बार ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो देखो ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर यहाँ तो अभी नॉर्मल तरीके से गुणा करो, पॉइंट में से क्या हो तब भी आपको डरना नहीं है। तो देखो ध्यान दो, पहले 2.5 एल बताओ किससे गुणा होगा, 2.5 एल प्लस 0.5 एम से, ठीक है। अब ये माइनस 0.5 एम किससे गुणा होगा, 2.5 एल प्लस 0.5 एम से, ठीक है ना। मतलब इसको इसके साथ लेना है और इसको भी इसके साथ लेना है, दोनों के साथ लेना है। अब देखो ये गुणा करो, मान लो ये 25 है और ये भी कितना है 25, बताओ 25 का वर्ग कितना होता है, 25 को 25 से गुणा करने पर कितना आता है 625, वर्गमूल याद की करो कम से भी कम 30 तक तो आपको याद होनी चाहिए। तो देखो 25 को 25 से गुणा करेंगे कितना आएगा, यह आएगा 625। अब पॉइंट लगा दो, देखो यहाँ से एक और यहाँ से एक कितने अंक छोड़ोगे, दो, एक और एक दो अंक छोड़कर पॉइंट लग गया ना। अब एल को एल से गुणा किया तो एल स्क्वायर आ गया, अब बेटा प्लस है तो प्लस, अब देखो 2.5 को 0.5 से गुणा करेंगे तो आप 25 समझ लो, इसको 5 समझ लो, गुणा करो 50 25, हासिल का 2, 5 दुनी 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, 125 आ गया। अब पॉइंट लगाएंगे तो देखो एक और एक कितने अंक छोड़कर, दो अंक छोड़कर, तो कितना आ गया बताओ 1.25, यहाँ है L और यहाँ है M, एल एम हो गया ना। अब इसी प्रकार इधर भी गुणा करेंगे, देखो इधर माइनस प्लस माइनस 0.5 M किससे गुणा होगा, 2.5 L से, तो देखो 2.5 को 0.5 से गुणा करने पर कितना आया 1.25, अभी क्या था गुणा, और यहाँ M और यहाँ क्या है L, तो यहाँ लिख देंगे L M, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 0.5 को किसे गुणा करेंगे 0.5 से, तो 5 5 50 25 कितना लिख देंगे 25। अब पॉइंट लगाएंगे तो एक और एक कितना अंक छोड़कर, दो, तो एक और एक दो अंक छोड़कर पॉइंट, और आगे यहाँ क्या लग जाएगा 0, यहाँ M को M से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एम स्क्वायर आ गया ना। अब यहाँ पर समान पदों का क्या कर लेंगे, जोड़ बाकी कर लेंगे, तो देखो एल स्क्वायर जिसमें अकेला ही है तो क्या आ जाएगा 6.25 एल स्क्वायर आ गया। अब देखो ये दोनों समान पद है ना, समान है, और ये प्लस का ये किसका है माइनस का, तो इसे ये कट गया, मतलब 1.25 एलएम में से घटाओगे 1.25 एलएम तो क्या आएगा 0, कट गया ना। पीछे क्या बचा, माइनस का 0.25 एम स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर, आगे समझ में। तो बिल्कुल आसान है, उधर बने। अब देखो इसका चौथा सवाल है,
ध्यान से समझना, बिल्कुल सेम सारे के सारे एक जैसे सवाल हैं। अगर आपका तरीका बिल्कुल सही है तो आप सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। तो देखो बेटा, इन दोनों को क्या करना है, गुणा। तो जहां पर और लगा हुआ है वहां क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। तो लगाओ a प्लस तीन बी, इसको गुणा करना है x प्लस पांच से। क्या होगा देखो, a इन दोनों से गुणा होगा और तीन बी भी इन दोनों से गुणा होगा। तो पहले देखो, a को गुणा करेंगे x प्लस पांच से और प्लस के तीन बी को भी गुणा करेंगे x प्लस पांच से। तो करो गुणा, a को x से गुणा करेंगे तो ax, अंग्रेजी की संख्या अलग अलग हो ना, चर वाले नंबर तो दोनों आ जाते हैं गुणा करने पर। तो क्या होगा बताओ, क्या आएगा ax, प्लस है तो प्लस, a को 5 से गुणा करेंगे तो 5a, ठीक है। अब ये 3b को भी अगर गुणा करो, प्लस 3b को x से गुणा करेंगे तो 3bx, अलग अलग थे ना तीनों ही, प्लस है तो प्लस। अब देखो ये दोनों, तो 5 भी कितना हो गया 15, और ये क्या आ जाएगा b, इसमें समान पद है क्या, समान पद है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, समान पदों का ही जोड़ बाकी होता है, अन्यथा जोड़ बाकी नहीं होता है। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, आगे समझ में। अब देखो पांच नंबर में भी जहां पर और का निशान है वहां पर क्या लगाएंगे, गुणा लगा देंगे। देखो क्या आएगा, 2pq प्लस 3q2, इनको गुणा करना है किससे, 3pq माइनस 2q2 से, ठीक है ना, गुणा करना है। तो देखो पहले 2pq दोनों से गुणा होगा और फिर 3q2 भी दोनों से गुणा होगा, मतलब दोनों को इनके साथ लिखना है। तो लिखो भाई, 2pq गुणा किससे होगा, 3pq माइनस 2q2 से, आगे समझ में। अब इसी प्रकार प्लस का 3q2 भी किससे गुणा होगा, 3pq माइनस 2q2 से, है ना। 2pq को इसके साथ लिखा, फिर 3q2 को भी इसके साथ लिखा। अब गुणा करो, अब देखो गुणा करो, देखो ये दोनों गुणा होंगे ना, तो 3 दूनी 6, p को p से गुणा किया तो p2, q को q से गुणा किया तो q2, आ रहा है समझ में। आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है। अब देखो 2pq किसे भी गुणा होगा 2q2 से, तो पहले गणित वाली संख्या को गणित वाली संख्या से गुणा करो। तो देखो यहां प्लस माइनस है ना, तो क्या आएगा माइनस, 2 दुनी 4। अब देखो p तो दोनों जगह अकेला ही है तो p, अब q को q2 से गुणा करेंगे तो यहां 1 का तो 2 का कितनी हो गई 3, आगे समझ में। अब बेटा ये भी अंदर गुणा होगा तो अंदर गुणा करो, प्लस है तो प्लस, 3 पी है 9, पी अकेला ही है तो पी, अब ये दोनों कितना हो गया, क्योंकि का कितनी 3। अब देखो ये दोनों गुणा होंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, क्योंकि का 2, क्योंकि का 2, क्योंकि का कितनी हो गई 4, ठीक है। अब देखो क्या इसमें समान पद है जिनका जोड़ बाकी कर सकते हैं, है क्या समान पद, हाँ है ना, अरे भाई इसके जैसा तो इसमें नहीं है, लेकिन ये दोनों समान पद है। देखो 4p पीछे वाले नंबर को देखा करो, अंग्रेजी वाले नंबर, गणित वाले नंबर तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अंग्रेजी वाले नंबर सेम होने चाहिए। देखो p क्योंकि का 3, यहां भी p क्योंकि का 3 है, ये कितनी बार है 9 बार, ये कितनी बार है, तो 9 में से 4 गया कितनी बार बच जाएगा 5 बार। समान पदों का ही जोड़ बाकी करना है आपको। देखो पहला तो 6p2q2 सेम लिखेंगे, अब यहां देखो इनको कटाएंगे ना, तो 9 में से 4 गया कितना बच गया प्लस का 5pq2 और पीछे माइनस का 6 क्योंकि का कितना 4, ये आ जाएगा इसका आंसर, आ रहा है समझ में। अब देखो इसका लास्ट है भाई, देखो इसको ध्यान से समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा, ये भी आपके घबराना नहीं है, अपना तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो ये तो सही है लेकिन इसमें ये 4 है ना, ये बार दिया हुआ है, तो हम पहले इस 4 को अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, अंदर गुणा कर दो 4 को, जहां पर और लिखा है वहां क्या लगा देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। देखो कैसे, 3/4 क्या है आपके a² प्लस 3b² और बेटा यहां क्या लग जाएगा, गुणा। अब 4 अंदर गुणा कर दो, तो देखो
चार को ए स्क्वायर से गुणा किया तो चार ए स्क्वायर माइनस, अब देखो चार को दो बटा तीन बी स्क्वायर से गुणा करेंगे ना, तो चार दूनी कितना हो गया आठ बटा तीन बी स्क्वायर, हो गया ना पहले जैसा हो गया। अब गुणा करेंगे, देखो ये पहले दोनों से गुणा होगा, फिर ये भी दोनों से गुणा होगा, करो गुणा कैसे, तीन बटा चार ए स्क्वायर का गुणा करेंगे किससे, चार ए स्क्वायर माइनस आठ बटा तीन बी स्क्वायर से, हो गया। फिर प्लस तीन बी स्क्वायर का गुणा करेंगे किससे, चार ए स्क्वायर माइनस आठ बटा तीन बी स्क्वायर से करेंगे गुणा, करो गुणा, इसको अंदर गुणा करेंगे। तो पहले गणित वाली संख्या को गणित वाली संख्या से करो, तीन बटे चार किससे गुणा होगा, चार से, होगा ना। तो देखो चार से चार कट गया, कितना बचा तीन बच गया, और एक ही घात दो को एक ही घात दो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक ही घात चार। अब प्लस माइनस माइनस हो गया ना, अब ये दोनों गुणा होंगे। तो देखो पहले गणित वाले नंबर को गणित वाले नंबर से गुणा, मतलब तीन बटे चार किससे गुणा होगा, आठ बटा तीन से, होगा ना। तो यहाँ देखो तीन से तीन और चार से आठ कितनी बार कट गया, तो दो आ गया, तो ये आ गया आपके दो। अब बेटा ए स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, बी स्क्वायर से, अलग अलग है दोनों, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। एक का गुणा, अब उधर देखो तीन बी स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे, तो पहले गणित वाली संख्या को चार तीन कितना हो गया, प्लस है तो प्लस, चार तीन बारह, यहाँ बी स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर दोनों अलग अलग है, तो इसको भी लिख दो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आप चाहे तो बी स्क्वायर को पहले लिख दो ए स्क्वायर को बाद में लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आगे ना। अब इसको इससे गुणा करेंगे आगे, तो तीन पहले किससे गुणा होगा, आठ बटा तीन से, तो तीन से तीन कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचा आठ, और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बी की घात कितनी हो जाएगी, चार, ठीक है। अब क्या इसमें समान पद है जिनका जोड़ बाकी किया जा सकता है ना, ये बीच वाले दोनों समान है, समान है तो जोड़ बाकी कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो बारह है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कितने हैं, दो, तो बारह में से दो गए तो कितने बच गए, दस, तो बताओ क्या आएगा, तीन एक का चार प्लस दस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आठ बी की का चार, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो देखो आपके सवाल नंबर एक कंप्लीट हुआ, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सवाल नंबर दो भी करेंगे, अब देखो सवाल नंबर दो में भी आपको गुणनफल ज्ञात करना है, सेम सवाल नंबर एक की तरह है, द्विपदी का गुणा आपको द्विपदी से करना है, ठीक है बेटा। अब देखो ये इसको इससे गुणा करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो पांच इन दोनों से गुणा होगा, और ये दो एक्स भी इन दोनों से गुणा होगा, तो देखो पहले क्या करेंगे, पांच का गुणा करेंगे तीन प्लस एक्स से, हो गया। अब माइनस दो एक्स का गुणा करेंगे तीन प्लस एक्स से, हो गया, ठीक है ना, ऐसे करना प्रत्येक सवाल में। अब जो गुणा करो, पांच दिया पंद्रह प्लस पांच को एक से किया तो पांच एक्स, हो गया ना। अब बेटा ये माइनस दो अंदर गुणा होगा, तो माइनस का चिन्ह हो ना, तो आपको विशेष सावधानी रखनी है, माइनस प्लस माइनस, हो गया ना, तीन दूनी छः एक्स का एक्स, फिर देखो माइनस प्लस माइनस दो का तो दो, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जोड़ बाकी करो, क्या समान पद है ना, पांच और छः समान है ना, पंद्रह का तो पंद्रह, छः एक्स तो है माइनस का और पांच एक्स से प्लस का, तो छः में से पांच गया तो एक एक्स बचेगा, किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का एक्स और माइनस का आ जाएगा दो एक्स स्क्वायर, ये आएगा आपका आंसर, आगे समझ में। अब वहां भी सेम ऐसे करना है, मतलब इन दोनों को गुणा करना है आपको, है ना, यहाँ पर गुणा है, अब क्या को गुणा करना है, तो एक्स पहले दोनों से गुणा होगा और फिर साथ वाई भी दोनों से गुणा होगा, तो देखो पहले एक्स का गुणा करेंगे साथ एक्स माइनस वाई से, ठीक है। अब यहाँ प्लस का साथ वाई है, तो इसका गुणा करेंगे साथ एक्स माइनस वाई से, ठीक है। आप चाहो तो पीछे वालों का इनसे गुणा कर सकते हो, कैसे,
सात एक्स का दोनों से गुणा कर दो, वाई का दोनों से गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गुणा में उल्टा सीधा कैसे भी करो उत्तर वही आएगा आपके। अब गुणा करो बेटा, x को 7x से गुणा करो, क्या आएगा 7x स्क्वायर, है ना, x को x से गुणा किया x स्क्वायर आ गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, x को y से गुणा करो क्या आएगा xy, ठीक है हो गया। अब प्लस है तो प्लस, अब देखो 7 इनको इससे गुणा करेंगे तो 7 और 7 49 और यहां x और y तो xy हो गया ना। अब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 7 का 7, y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर, ठीक है, क्या समान पद है ना, तो समान पदों का जोड़ बाकी करेंगे तो x स्क्वायर तो अकेला ही है तो ये आएगा 7x स्क्वायर, देखो ये दोनों समान है, 49xy तो है प्लस का और 1xy है माइनस का, तो 49 में से 1 घटाए 48 कितना बच गया, प्लस के 48 एक्स वाई और पीछे आएगा माइनस का 7 वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो अगला है तीसरा, इन दोनों को भी क्या करना है आपको गुणा, तो पहले ए स्क्वायर दोनों से गुणा होगा फिर पी भी दोनों से गुणा होगा, तो देखो ए स्क्वायर का गुणा करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर से और प्लस बी का गुणा करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर से, है ना, गुणा करो ए स्क्वायर को ऐसे गुणा करो, यहाँ दो घात हो गया, एक घात कितने हो गए 3, एक ही घात 3, प्लस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुणा करो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों अलग अलग है ना, सेम लिखा जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके इधर का गुणा। अब उधर चलो प्लस है तो प्लस, ये दोनों गुणा करो ये ए बी आएगा, सीधा लिखना है अंग्रेजी का, पहले जो अंग्रेजी में आता है वो पहले लिखो फिर बाद में लिखो, ठीक है ना। अब ये दोनों गुणा करो क्या आएगा, बी को इससे गुणा किया तो बी की घात 3 आ गया, क्या समान पद है इसमें, नहीं है ना, यहाँ 3 घात वाले हैं, यहाँ 2 घात वाले, यहाँ 1 घात वाले, यहाँ 3, समान पद नहीं है तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब देखो लास्ट वन, पहले इन दोनों गुणा करना है, पी स्क्वायर को दोनों से गुणा करेंगे फिर क्यू स्क्वायर को भी दोनों से गुणा करेंगे, तो पहले देखो p स्क्वायर का गुणा होगा किससे, 2p प्लस q से, अब माइनस के q स्क्वायर का गुणा होगा किससे, 2p प्लस q से, करो गुणा ये दोनों करो, तो देखो 2 का तो p स्क्वायर को p से किया तो p की घात कितनी हो गई 3, प्लस है तो प्लस, p स्क्वायर का q से गुणा करेंगे तो p स्क्वायर क्या आ जाएगा q, अलग अलग है ना दोनों, अब माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अगर बार माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब ये दोनों गुणा करो क्या आएगा, 2pq स्क्वायर, अलग अलग थे ना तीनों, जैसे माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, q स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे तो q की घात कितनी 3, क्या समान पद है इसमें, नहीं है, अगर समान पद नहीं है तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, इसका जो तीसरा सवाल है वो हम अगली क्लास में आपको करवाएंगे क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो वो सवाल अगली क्लास में।